तालीम तक उनको नहीं दे रहा, कुछ खाने पीने को उनको नहीं दे रहा। तो ये आज बहन हाथ फैलाकर दूसरों से अपने बच्चों के लिए भीख मांग रही है और बाप से शर्म है कि उसने बच्चों की तरफ मुड़ के नहीं देखा। मुझे बाप के जिंदा होते हुए बच्चे जो है ना फितराने लेकर खा रहे हैं, ऐसे बाप को शर्म आनी चाहिए। आप देखिए ये कह रही है कि सुबह से जो है ना रोटी भी पकी हुई वैसे पड़ी हुई है, बच्चों ने रोटी नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बासानी आप तक पहुंच सके। और अब चलते हैं वीडियो की जानिब। आ रही हूँ मैं किसी के घर पर, वो बहन बहुत मजबूर है, तो आइए चलते हैं उनसे मिलते हैं। तो अब चलते हैं अम्मा से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाजी? ठीक है। मेरा पोत्र मेरी धी है वो तो लगे बच्चे निकल निकल के माए उन्हें को जितना तो संभाली पियाँ मेरे को पता है ऐसा कर कर हूँ करण जो की कहानी दिल दी मरीज हाँ माए को नींद थी दी मेरे बच्चे निकल निकल हैं सबको कौथ जही बनाई दी मुझे सब मोटर निकल मुझे सबको मीटर लगा दिता मुझे सबको कोई नहीं पक्का नहीं पता चला हमने था असा इतने चला ही जलील आए असा पानी सबको कोई नहीं भरा लेता सारी मौसम याद करें अल्लाह। आज हम लोग जिस माँ से मिलने के लिए उस माँ की जो परेशानी है उस बेटी है ना उसको बेवा है बेटी और जो दो उनके नवासे हैं और एक आप अम्मा खुद जो है ना दिल की मरीज है खुद बीमार है और खुद भी बेवा है और बेटी और दो बच्चों को संभाल रही हैं बड़ी मुश्किल से संभाल रही हैं। ये कह रही कि हमारा घर का पानी नहीं है किसी के घर से भर कर लाते हैं और कमरा तो बिल्कुल भी नहीं है कोठी बन करी है निकी कोठी के बगैर नहीं था उठा मंडी पई जो रोटी पई सारी कई खावन की कई चाका नहीं रुखा पक्का है सवेर दो में पई रोटियां दो देख तू आप देख सकते हो। अच्छा बाजी तो सामने को ये दसाओ कि तेरा घर आला फोट थी जे भी ब्लॉक दे दी किसी ने। अच्छा बाल होने बाल तारे को ले लूं कल पीछे तारे को लूं ना जिद्द से देखे नहीं ना खर्चा सर नहीं दे खर्चा बिल्कुल नहीं खर्चा क्या नहीं। अच्छा तो आप देख सकते हैं ये बहन जो है ना दो बच्चों के साथ अपनी माँ के घर में बैठी हुई है और इसके जो इस बच्चों का जो बाप है इनको खर्चा भी नहीं दे रहा, जिंदा है लेकिन खर्चा नहीं दे रहा, तो बच्चों के लिए तो जिंदा ही मरा हुआ है। बहन जो है ना बहुत मजबूर है अपनी माँ के पास बैठी हुई, किसी का आसरा नहीं है। अच्छा मेरी बहन ना कर जाता दे जी बहन गिरा है इनका देख गिरा है जाग जीवन अंजन पंजन हर कोई बच्चा वाला है गरीब है साथ कागी मजदूरी करने खाने अपने बच्चों को खाने सारे कोई संभाल नहीं करेगा यो कुछ हूँ देखा मेरे पज बन जाता चुका था गिरा खा गिना नहीं था सारी कोई संभाल करेगा अल्लाह का आसरा है तो आसरा है अल्लाह का आसरा। तो ये माँ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे आप लोगों का आसरा और अल्लाह ताला के बाद इनको आप लोगों का आसरा है, कह रही है कि मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग हमारी फरियाद सुनेंगे और हमारे जो है ना कुछ हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो इनको मजबूरी है पानी और कमरे की। तो आप सबसे मेरी भी गुजारिश है और इस माँ की भी यही गुजारिश है कि आप इनको जो है ना कमरा बनवा कर दें। तो आप लोग अगर इनकी सपोर्ट करेंगे तो इनकी दुआएं जो आपको सारी जिंदगी मिलेंगी। तो फिर अम्मा अच्छा अम्मा तो अल्हम्दुलिल्लाह साहब को अपनी जगह दिखाओ कमरा दिखाओ आओ बाजी आओ जल्दी देखो आओ जल्दी देखो सारी। तो ये है इनका कमरा। तो अम्मा एक कमरे के अंदर ये मेरे पुत्रा दे। अच्छा तेरे पुत्रा ने दिया कच्चे कमरे में ना पुत्रा दे। अच्छा हाँ ना वालू तक ने तो सा ना कमरा तो नहीं रिया कर सकते था सब कोई नहीं रह लेना अपने बच्चे उन्होंने जो हमें दा आ देने घर आ देने नहीं था अपने कमाने में दे सब जंदरे मार देने तो जानी के इन्हें तो जिन ताले लगे कि नहीं ताले लगे पेरा हाँ पामें दल हम इन तासा नहीं लगा सकते ऐसा कोई नहीं हुई था पानी भी कोई नहीं देता ऐसा अपनी कर दे अपनी मजदूरी कर दे कोई करो जो कि कहीं नहीं मैं बिल्कुल मरीज हाँ दिल की मरीज हाँ रोजा रुखा है सवेल जम पुक्या पाइन हर बंदे को दिखाई नहीं आ हर बंदे को कहे नहीं कोई एहसास करेगा मेरे बच्चे होन पढ़ते हैं कोई। आप देखिए ये कह रही है कि सुबह से जो है ना रोटी भी पकी हुई वैसे पड़ी हुई है बच्चों ने रोटी नहीं की क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था तो बच्चों ने नहीं खाई। तो आप देखिए इनकी जैसे पड़ी हुई है बहुत दुख हो रहा है मुझे खुद को बहुत दुख हो रहा है। तो ये दो बच्चे हैं बेचारे
अच्छा भी फोन ता दे नली के क्या हिसाब है कि मैं तो सारा दे के क्या सलू ता दे नली ये सलू की को छे सके कोई नहीं सको सी भी मंगू लेंदा असर का अपने बच्चन संभाल अब दे बच्चन संभाल दे कोई छाए बा मुंडी के बदले ना बच्चा पड़े दे सको कोई नहीं लेंदा सको बिल्कुल कोई नहीं आधन कढ़ा बहुत सी तो बना दे अच्छा उनका कोई सहारा क्या नहीं ना लू पुत्रा मेला कोई सहारा क्या नहीं बल तो सोण मेहनत मजदूरी भी कितने मेल दे वेदे के करण जो की कान से मिले ए और पास खड़ गए मैं दिल को मेहनत मजदूरी की का फितरा ना निकल का फितरा ना घेन दे मैं बाला का कमी नहीं फितरा ना क्या साल और धान का की कर ई फिर की फितरा ना कह नहीं देता मैं तो ये कह रही है कि खुद जो है ना ये कर नहीं सकती मेहनत इनको ये बाजू का कुछ कह रही है कि कुछ बाजू को है लेकिन जो खुद ये नहीं कर नहीं सकती और इनको दूसरों ने जो है ना फितराने के पैसे दिए हैं फितराने के लिए फितराने के जो है ना गंदम दी है तो उससे अपने बच्चों का ये गुजारा कर रही है। तो आप देखें बाप के जिंदा होते हुए बच्चे जो है ना फितराने लेकर खा रहे हैं ऐसे बाप को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के भी बाप होते हैं ये भी करते हैं ये दिन भी दिखाते हैं जिंदा होते हुए बच्चों को। तो ये बहन क्या करे माँ है मजबूर है तो मैं मानती हूँ कि इनका जो बीवी से उनका रिश्ता खत्म हो चुका है लेकिन बच्चों से तो उनका रिश्ता है बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ भेजें उनके कपड़े पहनना खाना कुछ तो कुछ ना कुछ उनके लिए तो करें ये बाप ही है बस क्या करें मजबूर है बहन भी और बच्चे भी मजबूर हैं। अच्छा अम्मी तक हूँ अपने बुद्ध याद आनिए कोई अपना आपू याद आंदे नहीं मिलता। अच्छा तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं बाप को याद करते हैं लेकिन बाप को याद नहीं है औलाद तो अफसोस है। अच्छा हूँ तो सा बाजी में कोई दिसाओ के हूँ तो सही थे कि नहीं आपने लू बाला ना ही सही कान बांधे में जिया चपारी तो हम बेटे रह गए कोई पक्का नहीं लगा मने जिया जिया। अच्छा इतनी गर्मी दे में चुनता रहा खाना का जल गिन दी हूँ दरार में का बैठा हूँ जिया पक्का जल इन रोटी खवा दी थी एक हेरन के लिए गए मल पढ़ान के लिए गए यदि सकवत ओ फुर्सत कहीं नहीं आते कुछ साइकिल घेन ओ फुर्सत सारे को कहीं नहीं ऐसा कोई भाई सब्जी घेन गिन रोटी नहीं खेली हम तो आप रेडी करिए। तो ये है आजकल के बाप मेरी इस बात से बहुत से लोगों को दुख भी होगा शायद क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ नहीं होते लेकिन जो नहीं है उनको तकलीफ होगी जो इस तरह कर रहे हैं ना उनको वो बेशरम लोग होते हैं जो इस तरह करते हैं दो बच्चों को छोड़ दिया उन्होंने एक और शादी कर ली इस बीवी को छोड़ दिया इसमें क्या कमी है क्या उससे बुरी है ये क्या है इसको दो बच्चे हैं ये होता है कि भी बच्चा माँ नहीं बन सकती तो इसलिए छोड़ देते हैं उसके दो बच्चे हैं उसे शर्म नहीं है इतनी शर्म नहीं है कि अपने बच्चों को पाल सके अच्छी तालीम दे सके तालीम तक उनको नहीं दे रहा कुछ खाने पीने को उनको नहीं दे रहा। तो ये आज बहन हाथ फैलाकर दूसरों से अपने बच्चों के लिए भीख मांग रही है और बाप से शर्म है कि उसने बच्चों की तरफ मुड़ के नहीं देखा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। करो सब्र करो इंशाल्लाह अल्लाह देसी अल्लाह देसी अल्लाह देसी अल्लाह ताकू सब सब्र करो अल्लाह ताला ताकू जड़े को कोई नहीं घेरने दा। तो ये अम्मा कह रही है कि ये खुद भी मार है बच्चों को भी संभाल रही है खुद भी मार है अपने इनके दवाइयों के लिए इनके पास पैसे नहीं है ये बेचारी खुद की दवाइयों के लिए परेशानी इनको दिल का मसला है और क्या दिया क्या दसें दिल का मसला ये किचन चल रही है ये किचन चल रही है हमारी बिल्कुल कैसा नहीं मेरा हूँ दिमाग भी नहीं चल गए ये तो तो ये कह रही है कि बच्चों की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ और खुद मुझे अपने आप का पता नहीं है मैं खुद के लिए कुछ मैं खुद अपना गुजारा मुश्किल से कर रही थी और ये तीन दो बच्चों को और एक बेटी को संभालना। अच्छा बहन चुप करो अल्लाह सबर देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ये हमारे बहन भाई जो देख रहे हैं इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे रोने से कुछ नहीं होगा दुआ करें और इन बच्चों के लिए आपको जिंदा रहना है इनके लिए आपको कुछ ना कुछ करना है और मेरे बहन भाई भी आपसे इंशाल्लाह जरूर आपके लिए मदद करेंगे तो इनकी हेल्प करें तो ऐसे लोगों की हेल्प करने से जो है ना अल्लाह ताला बहुत राजी होते हैं और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा रिस्क अता करते हैं क्योंकि अल्लाह की राह पर देने वाले को अल्लाह ताला और भी ज्यादा देते हैं। ऐसे लोगों की मदद करने से ऊपर जो भी गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं मदद कर रहे हैं तो उनके सर पर कोई भी मुसीबत आने वाली होती है तो अल्लाह ताला उस मुसीबत को टाल देते हैं उनको अल्लाह ताला सेहत अता कर देते हैं उनके बच्चों को अल्लाह ताला सेहत अता करे जो ऐसे लोगों के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं इनको छत दे रहे हैं तो अल्लाह ताला उनके बच्चों को सेहत अता करे। इनकी कहानी सुनकर कलेजा मुंह को आ रहा है कि समझ नहीं आ रही अल्फाज नहीं है इनकी जो बातें सुनकर जो दुख का इजहार कैसे करें किस तरह मेरा तो दिल घबरा रहा है बहुत ज्यादा मेरा दिल घबरा रहा है मुझे
मैं खुद कुछ हूँ इनकी बात सुनूंगा तो मुझे और भी ज्यादा ही दुख हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है मुझे। तो मेरी ये सब बहन में ऐसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को जो हेल्प कर सकता है वो हेल्प करे, और जो हेल्प नहीं कर सकता इतनी हेल्प कर दें कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो वहां तक पहुंचे जो हेल्प कर रहे हैं और इनकी वो हेल्प करें, और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि मेरा वो चैनल जो है पूरा हो और मैं खुद मेरा चैनल मोनेटाइज और मैं खुद ऐसे लोगों की मदद कर सकूँ। अपनी तरफ से जो आप देंगे मैं अपनी तरफ से भी मदद करना चाहती हूँ। तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे हिम्मत नहीं देंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। मुझे मेरी हिम्मत आप लोगों से है, अगर आप लोग मेरी हिम्मत करोगे तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो सब कुछ करूँगी जो मेरी दिल की ख्वाहिश है। तो अगर मेरे पास खुद के पास कुछ होता तो मैं खुद भी गरीब हूँ। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, रोज बरोज मेरी वीडियो आ रही है चैनल पर और आप लोग मुझे देख रहे हैं। अगर मेरे खुद के हालात सेट होते, मेरे पास खुद के पास होती तो मैं इनकी मदद कर देती। और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग इनकी मदद करें, अगर नहीं कर सकते तो इनके लिए दुआ जरूर करना और कोशिश करना इस वीडियो को वहां तक पहुंचाना जहां तक हेल्प जहां से हेल्प आ रही है, और इनके लिए हम जो है ना कुछ कर सके। हमने क्या करना है, करना सब कुछ आपने है। तो अच्छा बाजी सारे की तो दुआ करे इंशाल्लाह, सारे भेणी बिरादरी ने देखा ना ले ये भी तक उतार दे जरूर साथ करे से रोना भी दे भी दुआ कराए ताकि अल्लाह ताला उनको हिम्मत देवे ताकि जना ना उतारे तक कुछ ना कुछ अल्लाह उनको सुख देवे अल्लाह उनको बचके रुझी वाले है सारे तावन करो सको गरीब लोग कहीं तावन करो सको सारा कोई कहीं नहीं थोड़े सिवा सारा कोई कहीं नहीं सको तावन करो तावन जितना थी आवे सको तावन करो खामन पीमन दबी नेमन दबी कोठा दबी सको तावन करो बड़े लोग के बेतु सब बहु अल्लाह तक बहु लिखी बहु डे लिखी अल्लाह तक बहु लिखी सारा तावन करो सा सब बड़ी दुआ करो सा नमाज पढ़ दिया मंजल पढ़ दिया कुछ नजर नहीं आता इनू इनू ढारी चा पानी है नमाज मंजल करमाज मंजल दे तरफू तक अल्लाह ताला सब कुछ देसी अल्लाह दे कुछ झोंक दे मंग दे अल्लाह ताला तारा वसीला लाजमी बने सी अल्लाह दे कुछ झोंक दे मंग दे अल्लाह अल्लाह सब दे तू सारी हिमायत करो करो तो सारी हिमायत करो बिल्कुल करो संभव गरीब लोग निके निके बच्चे नहीं बढ़ा सकते नहीं खा सकते खाने पीने के बगैर जो पढ़ पे लेख सुख सत लकड़ियाँ कई हालत है उन्हें भी पैसा नहीं मिलती सको दुध भी नहीं मिलता सको कितों मजदूरी कर नहीं सकती मैं टोर नहीं सकती मेरे सन मुक गए मेरे गोडे मुक गए मैं जवा गिनी हाँ दिल की मरीज हाँ मेरे कोई थी थी भी लेटे वे मेरे को गेरे बोडे आ गए मैं ये करन जोगी मजदूरी करन जोगी हूँ मैं घर दिखवा गई मैं परेशान हाँ बहू मैं मेरी परेशानी दूर करो हेल्प करो अल्लाह तक बहू देवे अल्लाह तक बहू दीती है सारी गरीबों की हेल्प करो अस परेशान आए बहू सारी परेशानी दूर करो सारे को जई बसा को बनवा दे मींह के बाहर बैठे रहने हैं दहाड़ी च बहने इतने मींह आते असा बाहर बैठे रहने हैं इवें बच्चे रोने ने बैठे हसा रोई हैं बेचो सारी हेल्प करो अल्लाह तक बहू दीती है अल्लाह से तक सुख देवे अल्लाह तक बहू देवे अल्लाह तक बशके अल्लाह साकू भी अल्लाह से तुसा साको अजाई करो अल्लाह तक बहू देसी सारे वास्ते मुश्किल आसान करो तो ये अम्मा जो है ना आप सबको दुआ दे रही है। तो इनकी आप सबसे कह रही है मांग रही है कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत देगा तो इनकी दुआएं कबूल हो आप सबके लिए और आप लोग इनकी हेल्प करें। ये अम्मा बहुत परेशान है और ये बहन भी बहुत परेशान है, ये बच्चे हैं छोटे छोटे ये कहाँ लेकर जाए बेचारी, भाई वो है जो अंदर नहीं घुसने देते, ये माँ जो है दरख्त के नीचे और इस कोठी में बैठती है आप देख सकते हैं। ये तो 100 में से अगर 10 लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो देखकर कुछ समझ आया हो तो इनकी हेल्प जरूर करें। और इसी मैसेज के साथ हमें दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।